आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में शहर शहर खबर खबर। तो मथुरा की एक अदालत में एक याचिका दायर कर शाही ईदगाह परिसर में हिंदू श्रद्धालुओं को पूजा सेवा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है, जहां याचिका में दावा किया गया है कि ईदगाह उस भूमि पर बनाया गया था जिसे भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है और पहले यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था। और इस नई याचिका के साथ ही मथुरा की विभिन्न अदालतों में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में दायर मुकदमों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। वहीं नई याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि कृष्ण भक्तों को शाही ईदगाह परिसर में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। और जिला सरकार के वकील संजय गौड़ ने कहा कि नया मुकदमा उच्चतम न्यायालय के वकील और दिल्ली निवासी हरिशंकर जैन द्वारा दायर किया गया है जो याचिका करता है। तो आपको बता दें, शाही ईदगाह परिसर को लेकर अब सुनवाई होनी है, कोर्ट में याचिका दायर की गई है। 25 मई को आपको बता दें इसको लेकर अब सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट में अब याचिका दायर की गई है इसको लेकर आपको बता दें अब एक नई याचिका इसको लेकर दायर की गई है। अब तक कुल 17 जो याचिकाएं हैं वो इसको लेकर दायर की जा चुकी हैं। वहीं अब इस पर सुनवाई होगी। तो आपको बता दें वही अब इस मामले में याचिका दायर की गई है। वही नई याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि कृष्ण भक्तों को शाही ईदगाह परिसर में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। और जिला सरकार के वकील संजय गौड़ ने कहा कि नया मुकदमा उच्चतम न्यायालय और वकील और दिल्ली निवासी हरिशंकर जैन द्वारा दायर किया गया है जो याचिका करता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, अब इस मामले में 25 मई को सुनवाई होनी है, तो क्या कुछ निकल के आ सकता है सुनवाई में? श्री राम जन्मभूमि यानी कि श्री कृष्ण का जन्म स्थल माना जा रहा है और उस जगह पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ईदगाह बनाई गई है वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था। फिलहाल अब जिस तरीके से मंदिर को लेकर के आवाज उठ रही है उसके साथ जो याचिकाएं दायर हो रही है, 15 याचिकाएं जिस तरीके से इस मामले को लेकर दायर की जा चुकी है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो अनुमति मांगी जा रही है वो पूजा अर्चना को लेकर के अनुमति मांगी जा रही है। और इस चीज को लेकर के कोर्ट में लगातार जो याचिकाएं उन पर इसी बात को लेकर के जोर दिया जा रहा है कि वहां पर जो अनुमति है उस अनुमति को दिया जाए जिससे जो हिंदू समुदाय के भक्त हैं उन भक्तों को एक आस्था की चीज हो सके और आस्था को लेकर के लगातार जो चीजें हैं वो आस्था को लेकर के किसी तरीके का कोई खेल ना पहुंचे। फिलहाल इन सभी मुद्दों को लेकर के लगातार जो याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई की बात की जाएगी। लेकिन अब बड़ी बात ये होगी कि जो याचिका है उस याचिका पर क्या कुछ अनुमति मिलती है, इन सभी बातों को लेकर के जो ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन जो अधिवक्ता की बात की जाए तो अधिवक्ताओं का इसमें साफ कहना है कि जो अनुमति की बात है तो अनुमति देकर जो हिंदू आस्था है उस आस्था को बढ़ावा दिया जाए जिससे वहां पर पूजा अर्चना शुरू हो सके, क्योंकि वो एक श्री कृष्ण राम जन्मभूमि का स्थल है और वहां पर शाही ईदगाह बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के जो आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है जानवापी मस्जिद हो या हो उसको लेकर के भी आवाज उठाएगी, उसी तरीके से आज उस मामले में भी सुनवाई जो है वो भी अब हो रही है और इस मामले में जो सुनवाई होगी उस पर क्या कुछ अहम फैसला आएगा सभी की निगाहें उसी पर बनी हुई है। जी, तो कलीम क्या कुछ अहम फैसला सुना सकती है आज कोर्ट? देखिए, जाहिर सी बात कहा जा सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि जिस तरीके से आस्थाओं की बात जुड़ी हुई है, क्योंकि दो समुदाय की वहां से आस्था जुड़ी, क्योंकि एक समुदाय जो मुस्लिम समुदाय है वहां पर ईदगाह की नमाज होती है, ईद की नमाज पढ़ी जाती है, तो दूसरी आस्था हिंदू समुदाय की है कि वहां पर श्री राम कृष्ण जन्मभूमि बताई जाती है, वहां पर श्री राम कृष्ण को का जो जन्म स्थल है उस चीज को लेकर के वहां पर पूजा अर्चना की जो बात की जा रही है, क्योंकि पूजा अर्चना होगी तो जाहिर सी बात है उनकी भी एक आस्था वहां पर बनी रहेगी। तो इन सभी आस्थाओं को देखते हुए एक जो निर्णय आ सकता है वो कहीं ना कहीं एक अहम फैसला होगा। इस अहम फैसले को लेकर के जो दोनों समुदाय हैं उन दोनों के समुदाय की उसी पर निगाह टिकी है और इसको लेकर के जो फैसला आएगा वो एक अहम फैसला होगा जो देखने वाला होगा। जी, तो कलीम क्या आज जो कोर्ट है वो दोनों पक्षों को सुनेगा या फिर आज केवल एक पक्ष को ही कोर्ट बुलाया गया है? देखिए, जिस तरीके से जो बात की जा रही है जो हिंदू समुदाय की तरफ से जो याचिका दायर की गई उस मामले पर अहम
मुद्दा है, क्योंकि जो आस्था को लेकर के वहां पे अनुमति मांगी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो दूसरा पक्ष है, जो मुस्लिम समुदाय का पक्ष, जो ईसाई ईदगाह को लेकर के लगातार दोनों पक्षों की जो बहस है, उन बहस में हो सकता हो दोनों की बहस भी हो सके, लेकिन जो मेन जो मुद्दा है वो ये है कि आस्था से जुड़ी हुई जो बात की जा रही है अर्चना, वहां पे पूजा अर्चना को लेकर के, उन सभी मुद्दों को लेकर के मेन पक्ष जो मेन है वो हिंदू समुदाय को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दोनों पक्ष की बहस हो सकती है, उसके बाद कुछ फैसला भी अहम रखा जा सकता है। फिलहाल सभी की निगाह जिस तरीके से बनी हुई है कोर्ट की तरफ, उसमें आज एक अहम फैसले पर सुनवाई भी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो भी फैसला आएगा एक अहम होगा और उससे सभी को मानना भी पड़ेगा। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद कलीम। तो आपको बता दें कोर्ट में याचिका दायर की गई है, वहीं 25 मई मतलब आज इस मामले पर सुनवाई होगी। वहीं अब इस मामले में क्या कुछ अहम बातें निकल कर आ सकती है वो देखने की वाली बात होगी। तो आपको बता दें शाही ईदगाह परिसर में पूजा की अनुमति ना मिलने को लेकर आज सुनवाई होनी है। वहीं अब इस सुनवाई को लेकर आपको बता दें कुल 15 याचिकाएं दायर हो चुकी है। वहीं अब एक नई याचिका भी दायर हुई है, वहीं अब इस पर सुनवाई भी होगी। आपको बता दें वहीं अब इस सुनवाई में कुछ कोई प्रयागराज में गैंगस्टर मामले में सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। दरअसल अफजाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकारी वकील ना होने के कारण सुनवाई टल गई। बताया जा रहा है कि गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी और अफजाल अंसारी की ओर से इसी सजा के खिलाफ 19 मई को हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी और 4 साल की सजा होने के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी समाप्त कर दी गई थी। तो आपको बता दें जिस मामले को लेकर अभी सुनवाई टल गई थी, वहीं अब इस पर सुनवाई होनी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, क्या आज इस मामले में सुनवाई हो सकती है? जी ईसा, आपको बता दें कि गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कहीं ना कहीं 4 साल की सजा जिला कारागार जिला अदालत की तरफ से सुनाया गया था। अब इस मामले को चुनौती देते हुए अफजाल अंसारी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया उन्होंने, और आपको बताएं कि आज उनके इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं कोर्ट सुनवाई करने वाला है। कल इस मामले पर सुनवाई होनी थी, मगर सरकारी वकील के गैर मौजूदगी की वजह से कहीं ना कहीं ये सुनवाई में रोकी गई और कल के लिए स्थगित कर दी गई और आज ये सुनवाई होने वाली है। इसमें साफ तौर से देखा जाए तो अफजाल अंसारी के ऊपर 4 साल की सजा होने के बाद उनका कहीं ना कहीं संसदीय से यानी कि सांसद का जो उनका सदस्यता है वो खत्म होने की ओर पे है। अगर आज हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी की सांसदी मुश्किलों में होगी। आपको बताया कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर के जिला न्यायालय की तरफ से 4 साल की सजा अफजाल अंसारी को सुनाई गई थी, जिसके बाद इसको चुनौती देते हुए इलाहाबाद के हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी अपनी याचिका डालते हैं और आज याचिका पर लगभग 1 बजे के करीब सुनवाई होनी है। और सुनवाई में देखने वाली बात ये होगी कि अफजाल अंसारी पर जो आरोप तय हुए हैं उसको उनके वकील हाईकोर्ट में कैसे प्रस्तुत करते हैं। और आपको बताएं कि हाईकोर्ट के अंदर में जो माननीय जज हैं वो दोनों पक्षों को सुनेंगे और अपनी इस मामले पर प्रतिक्रिया देंगे और फैसला देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज के फैसले में गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को राहत मिलती है या मुश्किलों का दौर शुरू होता है। जी बिल्कुल। तो अगर जो निचली अदालत है अगर उनके फैसले पर रोक लगाती तो कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता जो है वो जा सकती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो भारतीय लोकतंत्र के अंदर में किसी भी
सदस्य, या फिर विधान परिषद के हो, या विधानसभा के हो, या लोकसभा के हो, या राज्यसभा के हो, कोई भी अगर निर्वाचित या चुना हुआ सदस्य सदन का अगर जो 2 साल की सजा से ऊपर की सजा पाता है तो उसकी कहीं ना कहीं सदस्यता रद्द होती है। आपको बताया कि बीते दिन आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई, साथ ही साथ आपने देखा कि स्वाब से अब्दुल्ला आजम की सदस्यता उत्तर प्रदेश में रद्द हुई, उत्तर प्रदेश विधानसभा की। साथ ही आपने देखा कि रामपुर से आजम खान की सदस्यता रद्द हुई थी, उसके ठीक बाद अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर 4 साल की सजा को हाईकोर्ट बरकरार रखता है तो निश्चित तौर से अफजाल अंसारी की भी सदस्यता खत्म हो जाएगी, और अगर सजा कहीं ना कहीं अगर कम करता है 2 साल के अंदर रहता है तो अफजाल अंसारी संसद के सदस्य बने रहेंगे। मगर निश्चित तौर से आज फैसला आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि अफजाल अंसारी की सदस्यता रद्द होगी या नहीं। जी जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद हिमांशु। तो आपको बता दें अब इस मामले में आज सुनवाई हो सकती है, वहीं कहीं ना कहीं ये आशंकाएं लगाई जा सकती हैं कि जो उनकी अंसारी की जो सदस्यता है वो भी कहीं ना कहीं रद्द हो सकती है। वहीं अब इस मामले में आज कोर्ट क्या कुछ अहम फैसला सुनाता है ये देखने वाली बात होगी। माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई होगी, जहां प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में दोपहर करीब 2 बजे सुनवाई होगी। इसी क्रम में प्रयागराज पुलिस को आज अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना होगा। बता दें कि पिछली कई सुनवाइयों में पुलिस ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। वहीं उमेश पाल शूट आउट केस में पुलिस ने अपनी जांच में आयशा नूरी को आरोपी बनाया है, साथ ही आयशा नूरी पर शूटर गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने और भागने के लिए आर्थिक मदद देने का आरोप है, और पुलिस आयशा नूरी के पति डॉक्टर अखलाक अहमद को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। तो आपको बता दें अब इस मामले में जो आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी है अब उस पर सुनवाई होगी। वहीं आज क्या कुछ इस सुनवाई में निकल कर आएगा वो देखने वाली बात होगी। वहीं आज इसमें सुनवाई होनी है। आपको बता दें वही उमेश पाल सूट आउट केस में पुलिस ने अपनी जांच में आयशा नूरी को आरोपी बनाया था, साथ ही आयशा नूरी पर शूटर गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने के भी आरोप है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, आज जो आयशा नूरी है उनकी सरेंडर अर्जी पर सुनवाई होनी है, तो इस सुनवाई में क्या कुछ सामने आ सकता है? आपको एक बात बता दें कि जिस तरीके से 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, इस हत्याकांड के बाद सभी शूटर लगातार फरार चल रहे थे, लेकिन गुड्डू मुस्लिम की बात की जाए तो गुड्डू मुस्लिम का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें आयशा नूरी का घर देखा गया था, जहां पर उनके पति डॉक्टर अखलाक को देखा गया था कि बाकायदा पूरा सहयोग करते हुए इसमें जो आरोपी बनाया गया है तस्वीर में, इसमें ये दिखाया गया है कि आयशा नूरी के द्वारा लगातार अखलाक को सहयोग दिया गया, चाहे फिर उनके छुटने की बात हो या फिर उनके भागने में आर्थिक मदद की बात हो, इन सभी इस तरीके के आरोप जो है उनके लगाते हुए उनको आरोपी बनाया गया। लेकिन इसके साथ ही जो बात की जाए आयशा नूरी की, वो भी उमेश पाल शूट आउट के बाद से लगातार फरार चल रही है, और इसी मामले को लेकर आयशा नूरी की तरफ से कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी जिसमें खुद को सरेंडर करने की बात कही गई थी, लेकिन इस मामले में किसी तरह की सुनवाई जैसे नहीं हो पाई थी। तो लेकिन आज इस मामले में जो सुनवाई है, लेकिन पुलिस इस मामले में सुनवाई से पहले ही जो आयशा नूरी की बात की जाए उसकी गिरफ्तारी का प्रयास करने में जुटी है, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से आयशा नूरी के साथ साथ जो शायस्ता परवीन है उनकी बात की जाए तो उनको लेकर के लगातार तलाश जारी, क्योंकि एक बड़ा 5 लाख का इनामी जो गुड्डू मुस्लिम है उसको लेकर के जो सहयोग और किसानों में कितने की जो पूरा सहयोग किया गया उसको लेकर के आरोप है। लेकिन अब देखना ये है कि जिस तरीके से आज कोर्ट में सरेंडर अर्जी दायर की है उसको सुनवाई भी हो रही, क्या इस दौरान जो आयशा नूरी है वो खुद को सरेंडर कर पाती है या फिर जो पुलिस है आयशा नूरी की गिरफ्तारी में सफलता हासिल कर रही है? कहीं ना कहीं आयशा नूरी फरार है लेकिन अभी भी वो वकीलों से मिल रही है, कहीं ना कहीं अर्जी डाल रही है, तो क्या जो पुलिस है वो नाकाम हो रही है उन्हें पकड़ने में? देखिए ईसा जी, इसे साफ कह सकते हैं कि जो खुफिया तंत्र है LIU है या फिर जो इस पुलिस से मुखबिर है सभी इन मामलों में फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम आयशा नूरी की बात करें या फिर साजिशा परवीन की बात करें, क्योंकि दोनों लोग लगातार वकीलों के पास पहुंच रहे हैं, अपने ठिकाने बदल रहे हैं, कई बार देखा गया कि उनके सीसीटीवी फुटेज सामने आए, चाहे गुड्डू मुस्लिम की बात की जाए,
लेकिन पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही, और जिस तरीके से कोर्ट में हैंडल करने के लिए वकीलों से जो मुलाकात की होती, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पुलिस इस मामले में फेलियर नजर आ रही, तो उनके खुफिया तंत्र थे वो भी पूरी तरीके से फेलियर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 5 लाख का इनामी जो मुस्लिम की बात की जाए या फिर शूटर साबिर की बात की जाए, दोनों ही लगातार फरार चल रहे हैं। इन सभी के मास्टरमाइंड की जो बात की गई थी शाइस्ता परवीन की, वो भी लगातार फरार चल रही, क्योंकि उस पर भी इनाम है, लेकिन आयशा नूरी पर अभी इनाम नहीं जारी हुआ है, लेकिन वो भी इस मामले में आरोपी बनाई गई है, क्योंकि आरोपी जिस तरीके से बनाई गई है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के जो प्रयास है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था जिस तरीके से उसके पति आयशा नूरी के जो पति डॉक्टर इखलाक है उसको गिरफ्तार किया गया था, तो डॉक्टर इखलाक की गिरफ्तारी के बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिल सकती है कि आखिर इन लोगों ने इसको जो सहयोग किया है, कहाँ पर वो भागा है, कहाँ छिपने की उसकी तलाश है, लेकिन इस मामले में किसी तरह की सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद आयशा नूरी की तलाश शुरू हुई, लेकिन आयशा नूरी पुलिस की गिरफ्त से पहले ही फरार हो चुकी थी, क्योंकि अगर पुलिस ने इस मामले में पहले ही गंभीरता दिखाई होती जब डॉक्टर इखलाक को गिरफ्तार किया था उसी समय, अगर नूरी को भी हिरासत में लिया गया होता तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता था कि पुलिस को एक सफलता मिल सकती थी, लेकिन पुलिस की जो लापरवाहियां रही उन्हीं लापरवाहियों का ये साफ नतीजा है कि दोनों ही पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर निकल चुके हैं। फिलहाल जी, तो कहीं ना कहीं आयशा नूरी भी फरार है, साइश्ता फरार है और गुड्डू मुस्लिम भी फरार है, तो कहीं ना कहीं ये आशंकाएं जताई जा रही कि क्या ये जितने भी हैं, जितने भी फरार मुजरिम हैं, ये एक साथ हैं। जी देखिए, ये अंदेशा तो साफ लगा जा रहा है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम की बात की जाए और साबिर शूटर की बात की जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा था जिस तरीके से पुलिस की तरफ से कि जो साइश्ता परवीन है वो दोनों शूटरों को अपने साथ लेकर चल रही है गैंगर, क्योंकि ये एक बड़ी अब दिन पर दिन माफिया बनती जा रही, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने अपनी जो FIR दर्ज की थी उसमें माफिया घोषित किया था, तो जाहिर सी बात है कि इन सभी को लेकर के ये अंदेशा जरूर लगाया जा रहा है कि साइश्ता परवीन के साथ दोनों ही लोग साथ हैं, क्योंकि दोनों ही लोग उसको जो है बैकअप दे रहे हैं और इसके कारण ही वो सफलता हासिल कर रही भागने में, और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की भी बड़ी एक फेलियर है, क्योंकि पुलिस की फेलियर के कारण ये दोनों लोग आखिर निकलते जा रहे हैं, क्योंकि एक आपको याद होगा कि जिस तरीके का लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था साइश्ता परवीन को लेकर, क्योंकि पुलिस इस मामले में अंदेशा ये जता रही थी कि जो साइश्ता परवीन है वो नेपाल या फिर अफगानिस्तान या फिर श्रीलंका भागने की फिराक में है, इन सभी चीजों को लेकर के जो लुकआउट नोटिस जारी होता, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को इस मामले में किसी तरह की सफलता नहीं मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि साइश्ता परवीन यूपी में ही कहीं ना कहीं अपना ठिकाना बनाए हुए, जिसके कारण वो लगातार इन सभी चीजों पर निगाह रखे हुए, क्योंकि जिस तरीके से अभी बात के सामने आई थी कि साइश्ता परवीन दिल्ली में वकील से मिली थी, उसके बाद हरदोई आई, हरदोई के बाद झांसी गई, झांसी के बाद कई इलाकों में गई थी, इसको लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पर भी सूचना दी गई थी, जैसे कि बस में उसके सवार होने की जो बात कही गई थी, पहली बार किसी अपराधी यानी कि फरार जो आरोपी है उसके खिलाफ एक सूचना दी गई थी, लेकिन उस सूचना पर भी किसी तरह की सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पुलिस इस मामले में जिस तरीके से जगह जगह छापेमारी कर रही है, और SCF के जो अधिकारी हैं वो भी इस मामले में दावा कर रहे हैं कि जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, और इसी बीच आज कहीं जो पुलिस है वो छापेमारी तो लगातार कर रही है, लेकिन अभी तक उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिला। जाहिर सी बात है, साफ कहा जा सकता है क्योंकि छापेमारी कही गई, क्योंकि लगातार पूरे यूपी की पुलिस और SCF की टीम जगह जगह छापेमारी करती रही, चाहे फिर बात की जाए यूपी की या फिर यूपी से सटे हुए प्रदेशों की, चाहे बात किया राजस्थान की, हरियाणा की, दिल्ली की, इन सभी जगह पर SCF ने छापेमारी की थी, लेकिन किसी तरह की जो सफलता थी वो नहीं मिल पाई थी, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पुलिस इस मामले में फेलियर नजर आई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसकी गिरफ्तारी होने के बाद क्या कुछ खुलासे होंगे, इस पर सबकी निगाह थी, क्योंकि साइश्ता परवीन फरार है, क्योंकि अतीक और हसरत इसकी हत्या हो गई, तो उसके बाद कई मामले इसमें दबे पड़े हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि आखिर इनको सहयोग आखिर किस सफेदपोश नेताओं का मिल रहा था, क्योंकि इस मामले में कई बात कही गई थी, कई राजनीतिक पार्टियों के नाम सामने आए थे, लेकिन किसी का नाम खुलकर सामने नहीं आया था, और इस पर राजनीतिक जो सियासत है वो भी काफी गर्माई हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से 24 फरवरी सभी के लिए यादगार दिन है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड जो अंजाम दिया वो एक गवाह था, गवाह की हत्या करना खड़े रहा ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, जिसको लेकर काफी फेलियर रहा, क्योंकि इस मामले में केवल 6 ही शूटर के नाम सामने आए थे, जबकि बैकअप में 6 शूटर और तैयार खड़े थे, इसका दावा जो है CCTV फुटेज के आधार पर किया गया था, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में टोटल 13 शूटरों के शामिल होने की बात कही गई थी, लेकिन इस मामले में कई इंकाउंटर भी हुए, लेकिन अभी तक जो साइश्ता परवीन है वो फरार है, लेकिन आज जो अहम मुद्दा है वो मुद्दा ये है आयशा नूरी का, क्योंकि उसकी कोर्ट में
आज सुनवाई है सरेंडर को लेकर। जी बिल्कुल। इस पर देखना ये होगा कि जो सुनवाई के दौरान क्या वो सरेंडर कर पाती है या फिर पुलिस गिरफ्त में है या फिर वो फरार रहती है। जी बिल्कुल। कलीम, तो आज इस सुनवाई में क्या कुछ अहम बातें निकल कर आती हैं वो देखने वाली बात होगी। इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें आज कोर्ट में सुनवाई होनी है, वही अब इस सुनवाई में क्या कुछ निकल कर आएगा। आशा नूरी को जो सरेंडर एप्लीकेशन उन्होंने दी थी उसमें अब क्या कुछ कोर्ट फैसला सुनाती है वो देखने वाली बात होगी। वही बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस कल चार्जशीट दाखिल करेगी। मालूम हो कि पुलिस ने इस हत्याकांड में माफिया अतीक अशरफ समेत कई लोगों का नाम चार्जशीट में दाखिल किया है। कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि पुलिस जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने वाली है, लेकिन अब फिलहाल पुलिस कल इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। वहीं अगर बात करें अतीक अशरफ हत्याकांड के हत्यारों की, तो तीनों हत्यारों की आज पेशी होनी है। तो आपको बता दें आज अतीक अशरफ हत्याकांड में जो तीनों आरोपी हैं वही अब आज उनकी पेशी होनी है। आपको बता दें जो शूटर्स थे जिन्होंने अतीक अशरफ को गोली मारी थी आज उनकी पेशी होनी है। वहीं अब इस पेशी में क्या कुछ निकल कर आता है, उनसे पूछताछ में क्या कुछ चीजें सामने आती है वो देखने वाली बात होगी। तो आपको बता दें इस मामले में कल चार्जशीट भी दाखिल हुई थी जिसके बाद आज पूछताछ होनी है। वहीं बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस कल चार्जशीट दाखिल करेगी। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में माफिया अतीक अशरफ समेत कई लोगों का नाम चार्जशीट में दाखिल किया गया था। कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि पुलिस जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने वाली है, लेकिन अब फिलहाल पुलिस कल इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। वहीं अगर बात करें अतीक अशरफ हत्याकांड के हत्यारों की, तो तीनों हत्यारे आज पेश होने हैं। वहीं अब इस पेशी में वो क्या कुछ बताएंगे, क्या कुछ सामने निकल के आएगा, क्या बड़े खुलासे होने हैं इस मामले में वो देखने वाली बात होगी। वहीं शाइस्ता और जो गुड्डू मुस्लिम है, क्या उनको लेकर भी कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको बता दें वहीं जो ये पेशी होनी है ये आज बहुत ही अहम रहेगी। अतीक अशरफ इस हत्याकांड में जो ये पेशी है बहुत ही अहम होने वाली है। आपको बता दें इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सागर जुड़ चुके हैं। तो जो सागर, आज चार्जशीट जो है वो दाखिल हो चुकी है, वहीं जो तीनों हत्यारे हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। देखिए ईशा, सबसे पहली बात बता दूं कि जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ था वो यूपी का सबसे चर्चित हत्याकांड था, क्योंकि इसमें बाहुबली और जो मुख्तार माफ कीजिएगा बाहुबली और नेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया था, उसकी बेटे अशरफ का भी नाम सामने आया था। इसमें चार लोग शूट आउट में मारे जा चुके हैं जिनको एसटीएफ ने मार गिराया है, और अतीक और अशरफ की भी हाल ही में मौत हो चुकी है जिनको तीन शूटरों ने मारा था, और तीन शूटरों की रिमांड जो आज खत्म हो चुकी है। और पुलिस इस केस में 3 महीने हो चुके हैं, पुलिस इस केस में चार्जशीट दाखिल करने वाली है। चार्जशीट में शाइस्ता परवीन से लेकर आयशा नूरी तक का भी नाम है, और जो शाइस्ता परवीन है अतीक अहमद की बीवी है, उसका भी उसके ऊपर भी 50,000 का इनाम पुलिस ने रखा। पुलिस ने सभी को आरोपियों बनाकर लगभग मुझे लगता है कि शायद आज या कल में चार्जशीट पुलिस दाखिल कर सकती है। जी बिल्कुल। तो इस जो चार्जशीट दाखिल हुई है वही अब आज इस मामले में पेशी भी होनी है, तो क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं इस पेशी में? जी देखिए, अतीक अशरफ के जो हत्याकांड के जो आरोपी हैं जो तीन शूटर हैं उनको प्रयागराज जेल में है फिलहाल वो, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाएगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उनकी पेशी होगी, क्योंकि पेशी उनकी इलाहाबाद में होनी है और प्रयागराज में इस समय वो बंद है, प्रयागराज कारागार में। तो फिलहाल कुल मिला के देखा ये जाएगा कि उनसे एटीएस भी पूछताछ कर सकती है और एनआईए भी पूछताछ कर सकती है। मुझे लगता है कि शायद कोर्ट जो है उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजेगी, उसके बाद एसटीएफ पूछताछ करेगी, एनआईए पूछताछ करेगी और एटीएस पूछताछ करेगी। पूछताछ में जो भी खुलासा होगा जल्द हम आपके सबके सामने रखेंगे। जी जी। वही सागर, अब इस मामले में अतीक मामले में जो अतीक की पत्नी है शाइस्ता वो अभी तक फरार है, लेकिन जो पुलिस है वो उनको पकड़ने में नाकाम नजर आ रही है। जी ईशा, बिल्कुल बता दूं कि एक तरफ सीएम योगी की जो पुलिस है तमाम दावे करती है कि वो हर अपराधी को नहीं छोड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाएगा कि जो आयशा नूरी है और जो शाइस्ता परवीन है उसके साथ साथ
गुड्डू मुस्लिम भी फरार है। गुड्डू मुस्लिम जो है एक बमबाज के तौर पर गिना जाता है, नजदीक नजदीक अहमद था, बहुत खासम खास था और फिलहाल एसटीएफ से लेकर एटीएफ से लेकर एनआईए तक इनकी खोजबीन में लगी है। तमाम जो है जिलों के साथ छान चुकी है और तमाम राज्यों के साथ छान चुकी है। फिलहाल अभी तक कोई एटीएफ या एसटीएफ के पास ऐसा इनपुट नहीं है कि गुड्डू मुस्लिम कहाँ है, साजिशा परवीन कहाँ है या फिर आयशा नूरी कहाँ है। फिलहाल ये भी देखने दिलचस्प होता है कि एटीएफ या फिर एसटीएफ कब तक इनकी गिरफ्तारी संभव करती है और फिर गिरफ्तारी करने के बाद क्या कुछ इनसे पूछताछ होगी और पूछताछ में क्या कुछ नया खुलासा निकल कर आता है। जी बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात होगी कि इस पेशी के बाद क्या कुछ बड़ी बातें सामने आती है। वही इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद सागर। तो आपको बता दें कल चार्जशीट दाखिल की गई थी यूपी पुलिस की तरफ से, वही आज तीनों जो शूटर्स है उनकी पेशी होनी है। वही अब इस पेशी में क्या अहम बातें निकल के रहेंगी वो देखने वाली बात होगी। हमारी इस खास पेशकश शहर शहर खबर खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।